अजमेर में लोकसभा चुनाव से पहले अजमेर पुलिस प्रशासन ने बीएसएफ की कंपनी के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला, सभी को सुरक्षित मतदान के प्रति जागरूक भी किया। अजमेर के कलेक्ट्रेट में एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बीएसएफ की कंपनी को ब्रीफ करते हुए मतदान से पहले सभी स्थानों पर किस तरह से फ्लैग मार्च करना है इसकी जानकारी दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ये फ्लैग मार्च दिल्ली गेट से रवाना होकर दरगाह के मुख्य बाजार और नला बाजार होते हुए आगरा गेट और गांधी भवन होते हुए क्लॉक टावर थाने तक निकलेगा। इसके माध्यम से आम जनता को सुरक्षित मतदान का संदेश देने के साथ ही अधिक से अधिक मतदान का संदेश भी दिया जाएगा। साथ ही बदमाश और आदतन अपराधियों को चेतावनी दी गई है। अजमेर को मिली बीएसएफ कंपनी अब थाना वाइज अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर फ्लैग मार्च निकालेगी और आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक करेगी। अजमेर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट अजमेर, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। चुनाव आ गए हैं, लोकसभा चुनाव के लिए हमारे को एक बीएसएफ की कंपनी आवंटित की गई है, जिसे हम मुख्यतः एरिया डोमिनेशन के तहत दी गई है। उस एरिया डोमिनेशन के तहत मैं और कलेक्टर साहिबा जो हैं साथ रहकर अलग अलग इलाकों में इनका एरिया डोमिनेशन करवाएंगे। इनका एक प्रोग्राम बना दिया गया है, क्योंकि अभी हमारे पास आए हैं तो शुरुआत हम शहर से कर रहे हैं। शहर से करके उसके बाद अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगी, जिसमें आपका दूदू भी आता है और हमारा जो है ब्यावर और केकड़ी का इलाका भी आता है। तो उसमें ये इनका एक टाइम चार्ट बना दिया गया है। वो टाइम चार्ट के तहत बीएसएफ कंपनी पर लोकल एसएचओज, लोकल सीओज, और अगर हमारे पास स्पेयर में होगा तो लाइन से जाप्ता भी हम वहाँ भेजेंगे। तो चुनाव तक प्रेजेंस दिखाने के लिए, जिसे हम एरिया डोमिनेशन ऑफ फ्लैग मार्च कह सकते हैं, ये किया जा रहा है ताकि लोगों के मन में एक भावना, सुरक्षा की भावना और चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के लिए आज जो हमें बीएसएफ की कंपनी मिली है और जो हमारी यहाँ पर लोकल पुलिस है अजमेर की, सब मिलकर के एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। और ये एक तरह से लोगों में एक जो एक फियर फैक्टर कई बार हो जाता है, उसको भी कर्टेल करने के लिए ये एक प्रक्रिया रहती है। जैसे कि विदित है कि पिछली विधानसभा चुनाव में भी कई असेंबलीज में हमने एरिया डोमिनेशन किए थे, उसी की प्रक्रिया में निरंतरता रखते हुए इस बार भी हम विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। और शुरुआत आज हम अजमेर शहर से कर रहे हैं। इसमें जो विभिन्न एरिया हैं, इनको एसपी साहब ने आइडेंटिफाई किया है और वहाँ पर अपनी कंपनीज को डिवाइड करते हुए, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, हम पुलिस और प्रशासन की टीम मिल करके ये डोमिनेशन एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे।